एक के पीछे एक बैठ जाइए, पूरा वहां तक जगह है, बैठिए। हरिओम हरिओम। सभी भाई बहनों से विनम्र प्रार्थना है, हम सबसे बड़ा सहयोग आपका है, शांति का परिचय दीजिए। आपस में जो बैटरी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कृपया बैटरी
पुकारा वही प्रकट हो गया चारा। छूटे है उनके दुखों का बंधन, छूटे है उनके दुखों का बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके है, जो तेरे चरणों में आ चुके है, सामान्य स्थिति में आ जाए।
ओम नसुर में प्राणोस्तु काष्ठ गुंचितु को ओम अक्षर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को ओम कर्ण में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को ओम कुरुभूर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टान मंगलान स्तन तन्वान सा संतु धरती हम सबकी माता है जहाँ सबको अन्न जलम अमृतम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्ते क्षति सर्वदा रक्षा सूत्रम कलावा यदि हो आपके पास तो कलावा एक दूसरे के हाथ में बांधते हैं। विवाहित बहने बाएं हाथ में बंधवाएंगी, कुंवारी कन्याएं और भाई लोग अपने दाहिने हाथ में बंधवाएं मंत्र के साथ। ओम प्रतेन दीक्षा माप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धा माप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बन्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे वाचल वाचल। गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः हित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम उसके पास हो तो उसके अंदर डाल देंगे, मंगल द्रव्य यदि हो एक ऊपर चिपका दिया है उसको डाल सकते हैं, नहीं हो तो छत पुष्प जल डाल सकते हैं। और कलावा का टुकड़ा हो तो उसके गर्दन में पहले से बना हो तो उसको स्पर्श कर देंगे, कलश में यदि पहले से बना हो और नहीं बना हो तो बांधने का भाव कर लेंगे। ओम सुजातो ज्योतिषाः सहस्रमवरुथः मा सदा वास्तवः वासो अग्निविश्वरूपाः संविवस्वत्तभिभावसो। बृहस्पतेः प्रसूतानां नो मुञ्चवस्त्वं हसः। अब दोनों हाथ जोड़ करके आइए प्रार्थना करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेयमानो वरुणे हरोजर्षत्व समान आयुः प्रमोक्ष्मीः। अब दोनों हाथ जोड़ करके चले भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। ओम कहे स्वस्तिको ब्रह्मा मध्ये मातृगणास्तुता ऋग्वेदोऽथयजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कर्षन्तु समाश्रिताः अत्र राजर्षिः सावित्री शान्तिगोष्ठी करिष्यसा परितिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं तमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापति आदित्यावसो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामः फलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुर्मेः जलोद्भव सानिध्यं गुरुणे देव प्रसन्न
बोलिए कि भगवान की बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सब भाई बहनों के लिए, और प्रसन्नता की बात है यहाँ पर दिव्य कलश का पूजन का क्रम ज्योति प्रकट किया गया घर दीपक का, जो चार दिन तक के निरंतर जलता रहेगा। अभी दो क्रम होगा, उसके बाद फिर यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेगी। सर्वधम धर्म की ध्वजा जिसको लेकर के हम सब चले हुए हैं, we'll be right back.
भैया बताएंगे भिलाई की भूमि पे एक बार फिर अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज से 25 साल पहले इसी पवित्र भूमि पर हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ हुआ था और अभूतपूर्व यज्ञ हुआ था। पूरा भिलाई गायत्रीमय हो गया था, युग निर्माण के झंडे हर जगह फहरा रहे थे, पूरा छत्तीसगढ़ से गौरवान्वित हुआ, ओजस्वी बना। और आज हम लोग, उसके बाद ही हमें छत्तीसगढ़ राज मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और परम पूज्य गुरुदेव की कृपा हमेशा इस छत्तीसगढ़ में रही है। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि छत्तीसगढ़ मेरा हृदय स्थल है, जहाँ से मुझे असीम प्रेम मिलता है, और इस पवित्र धरती को हर हमेशा वो प्रणाम करते थे। और आज 25 साल बाद 151 कुंडी यज्ञ सभी भाइयों बहनों और यहाँ के ट्रस्टियों और यहाँ के हमारे गायत्री परिवार के प्रमुखों द्वारा आज ये यज्ञ की शुरुआत हुई, कलश यात्रा, उसमें मैं भी सब परिवार सम्मिलित हुआ, मेरा भी सौभाग्य। और मैं सबको शुभकामनाएँ देता हूँ और क्षेत्रवासियों से आह्वान करता हूँ कि 3 दिन तक चलने वाले महायज्ञ में अपनी भी एक आहुति डालें और इस पुण्य का लाभ हो लोग ले, अपने परिवार के लिए। छत्तीसगढ़ और हमारा भारत देश अक्षुण रहे, अखंड रहे, हमारी सनातन धर्म की स्थापना यहाँ होती रहे, जो परम पूज्य गुरुदेव की कल्पना थी उसके अनुसार हमारा भारतवर्ष बने। इस बात के लिए व्यक्ति व्यक्ति बदलेगा, युग निर्माण होगा, उस बात के संकल्प के साथ आए, यही आह्वान, यही निवेदन मैं अपनी ओर से सभी लोगों से करता हूँ। जी नाम और परिचय बताएंगे। मैं डॉक्टर PL साव, गायत्री परिवार युवा संगठन का प्रदेश प्रभारी के रूप में हूँ।
बताएंगे क्या आयोजन है और क्या इसका उद्देश्य है, क्या लाभ मिलेगा? ये अश्वमेघ रजत जयंती जो हम मना रहे हैं, ये चार दिवसीय कार्यक्रम है, 27, 28, 29, 30, चार दिन का है। आज भव्य कलश यात्रा के रूप में पूरा हम लोगों को आह्वान करेंगे, इसमें आप भाग लें और पुण्य कमाएं। और हम 29 तारीख को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति परम श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का आगमन है और शाम को उस समय दीप यज्ञ होगा। और 30 तारीख को सुबह 8 बजे गायत्री परिवार के प्रमुख श्रीमती सैल बाला पंड्या दीदी जी का आगमन होगा, जिसमें यहाँ पर कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों का यहाँ पर अपनी भक्ति भावना के साथ रहेंगे। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम अपने आप को बदलें, यही हमारा गायत्री परिवार का उद्देश्य है। विचार क्रांति अभियान, लोगों में अपने आप में क्रांति हो और इस छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत का जो लोग है उसमें विचारों का क्रांति हो, तभी हमारा उन्नति होगा। जी भाभी बताइए। गायत्री महायज्ञ के लिए आज इस गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ में हम लोग सब परिवार उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज पूरे छत्तीसगढ़ से हमारे यहाँ इस अश्वमेघ यज्ञ में शामिल हुए हैं। मैं सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देती हूँ।
हुआ संसार है।